और इंडिया के बिल्कुल साथ ही ये गांव लगता है जिसको यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो वो उस साइड पर ये इंडिया पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ और उसके कुछ ही फासले पर थोड़ा सा आगे जाके इंडिया का झंडा है। जितनी भी सुरंगें हैं ये सारी इंडिया वाली साइड को जाती हैं। ये बॉर्डर के हम बिल्कुल करीब करीब पहुँच चुके हैं। ये जितनी यहाँ पर ये काफ़ी सारी ये पूरे रोड पर ये काफ़ी सारी यहाँ पर सुरंगें हैं। इस तरह की सुरंग हैं जो सीधा यहाँ से अटारी स्टेशन वाली साइड पर जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं एक गांव में जो इंडिया के बिल्कुल साथ ही ये गांव लगता है जिसको छापा गांव कहा जाता है। ये बिल्कुल वाघा बॉर्डर के साथ साथ ही है। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो वो उस साइड पर ये इंडिया पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ और उसके कुछ ही फासले पर थोड़ा सा आगे जाके इंडिया का झंडा है। हर जगह यहाँ पर ये आपको हरियाली ही नज़र आ रही होगी। उस साइड पर जो लगा है वो आई थिंक साग लगा हुआ है। यहाँ पर भी जगह जगह ये साग लगा हुआ है। ये साग का सीज़न तो चला गया है। ये सीड्स रेडी करने के लिए जो फसल लगाई होती है वो लगी है। बाकी सारा ये जानवरों का चारा लगा हुआ है। उस साइड पर ज़मीन भी तैयार हो रही है। अभी उस साइड पर भी चलते हैं, जाके ज़मीन भी देखते हैं। और इस साइड पर भी हर जगह हरियाली ही हरियाली, मतलब चारा ही चारा लगा हुआ है जानवरों का। हर तरफ हरियाली है। घर में जो हम गार्डनिंग करते हैं, जिस तरह से ज़मीन रेडी करते हैं, वो थोड़ा सा अलग होता है। हमने नॉर्मली घर में जो ज़मीन रेडी करनी होती है वो हम उस तरह से नहीं करते जिस तरह से गांव में की जाती है, जिस तरह से खेतों में की जाती है। तो अभी जाके देखते हैं कि हमारे जो खेतों में ये ज़मीन रेडी की जाती है, जो हल चलाया जाता है वो किस तरह से चलाया जाता है। और पाकिस्तान का जो ये आखिरी गाँव है, मतलब ये इस गाँव को हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। साथ में मेरे दो दोस्त भी हैं तो उनको भी लेके चलते हैं। हालांकि उनका गार्डनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, लेकिन हम उनको भी साथ लेके जाएंगे। हेलो, बहुत धूप आ रही है। अच्छा, बहुत मुश्किल हो रही है आगे खोलने में। ओ यार इतनी गर्मी यार, बस मुझे ना हाइड्राफेशियल करवाना पड़ेगा जाके। मिट्टी लगी, मिट्टी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तुम पाकिस्तान नहीं यार, सॉइल सॉइल लगी है। सॉइल, ओ यार, हम तो देसी यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो प्लान था वो ये पहलियों में से होते हुए वहाँ का जाने का, लेकिन लड़के जो हैं वो राज़ी नहीं हो रहे हैं। ये कहते हैं कि अभी बाइक से मेन रोड से होते हुए हम उस साइड पर जाएं जहाँ पर वो ट्रैक्टर चल रहा है, जहाँ ज़मीन की तैयारी हो रही है। लेकिन मेरा इरादा था कि हम यहाँ से ये जो बनी 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 हुई है, हम यहाँ से होते हुए गोल चक्कर लगा के हम वहाँ पर जाएँ। खैर, लड़कों के साथ जाएँगे, बाइक पर चलते हैं और हम दूसरी साइड पर चलते हैं, उस साइड पर। कोई भी सब्ज़ी लगाने के लिए, फसल लगाने के लिए ज़मीन की तैयारी सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। बेशक हम कोई भी फसल या कोई पौधा ज़मीन में लगा रहे हैं या गमले में लगा रहे हैं, तो उसके लिए अगर गमले में है तो गमले की मिट्टी को रेडी करना, अगर ज़मीन है तो उसकी रेडी करना, उसे रेडी करना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर हर जगह चारा ही चारा लगा हुआ है क्योंकि विंटर सीज़न अभी ख़त्म हुआ है। जितनी विंटर वेजिटेबल्स थी वो सारी यहाँ सर उतार ली गई हैं और अब हर जगह बकरों का, गाय भैंस का चारा ही लगा हुआ है। क्योंकि अभी जो समर वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो करने का टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। 15 फरवरी के बाद मार्च स्टार्ट होते ही जो समर वेजिटेबल्स होती हैं उनको ग्रो करने का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो अब बस ये उसी की तैयारी चल रही है। जो जो ज़मीनें खाली होती जा रही हैं चारे से, उनके ऊपर इस तरह से हल चलाए जा रहे हैं, उनको रेडी किया जा रहा है समर वेजिटेबल्स के लिए। किधर रह गए थे? जितनी भी सुरंगें हैं ये सारी इंडिया वाली साइड को जाती हैं। ये बॉर्डर के हम बिल्कुल करीब करीब पहुंच चुके हैं। ये जितनी यहाँ पर ये काफ़ी सारी ये पूरे रोड पे ये काफ़ी सारी यहाँ पर सुरंगें हैं। इस तरह की सुरंग हैं जो सीधा यहाँ से अटारी स्टेशन वाली साइड पे जाती हैं। काफ़ी सारी हैं यहाँ पर आगे भी। जहाँ पर मैंने आपको सुरंगें दिखाई थी हम उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते थे, वो सेफ़ एरिया नहीं है क्योंकि वो बॉर्डर के बिल्कुल करीब वाला एरिया लग जाता है। जैसे वो पाकिस्तान का आपको झंडा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, और इसके दूसरी साइड पे यहाँ पर इंडिया का झंडा भी नज़र आ रहा है। हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो वहाँ पर इंडिया का फ्लैग नज़र आ रहा है, लेकिन हम ज़्यादा आगे जा नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा सेफ़ एरिया नहीं है यहाँ पर। जिस साइड पर असल में वो ट्रैक्टर चल रहा था, ज़मीन की तैयारी हो रही थी, वो असल में किसी का फार्म हाउस था और दूर से वो ओपन था, लेकिन जब हम उसके करीब गए तो वो फार्म हाउस का गेट लगा हुआ था, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते थे, ज़मीन की तैयारी नहीं देख सकते थे। और आते जाते सब हाथ भी हिला रहे हैं।
सलाम कर रहे हैं। गाँव की ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो बड़े फ्रेंडली होते हैं, सलाम दुआ करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। अगर आपकी जान पहचान नहीं भी है, आप उनको नहीं भी जानते, तब भी आपस में सलाम करते हैं एक दूसरे को। इस तरह से ये जितना भी चारा लगा हुआ था उसको काट रहे हैं। अब इस जगह पे ये हल चलाएंगे और जो समर वेजिटेबल्स होंगी उनको यहाँ पर लगाया जाएगा। बारात लूट के आ रहे हो? बारात कितने जमा हुए हैं? कितने आपने कितने इकट्ठे किए? मैंने आपने कितने? 880 750 आपके 990 आपके आपके पर ये हमारा जो फार्म हाउस है, इस साइड पर एक फंक्शन हो रहा है गाँव वालों का, यहाँ पर एक बारात आई हुई थी और उसी पर इन बच्चों ने भी ये पैसे वगैरह जो उठाए जाते हैं वो लूटे हैं। ये वाला वो फार्म हाउस है जिसके अंदर ज़मीन की तैयारी की जा रही है, ज़मीन की तैयारी की जा रही है, लेकिन हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा ऐसा बैठा नहीं हुआ जिससे हम परमिशन लेकर अंदर जाएं, और विदाउट परमिशन हम किसी के फार्म हाउस में एंटर नहीं हो सकते। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो 5 बजे से पहले पहले इस एरिया से चले जाना बेहतर रहता है, ये एरिया सेफ नहीं है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी विलेज लाइफ दिखाने की, और मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक जिस तरह से ज़मीन को तैयार करते हैं, जिस तरह से फसल लगाते हैं वो रिकॉर्ड कर सकें, दिखा सकें आपको, लेकिन वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह किस दिन दिन में सुबह के टाइम पे आके ये सब चीज़ें हम देखेंगे और आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।